क्या नाम है आपका और क्या मामला है? सर मेरा नाम मोहित तोमर है, मैं थाना फलावदा का निवासी हूँ और समाज सेवा मैं करता हूँ सर। अपने जैसे मेरे कस्बे के गरीब ऐसा है लोग हैं, उनके लिए मैं काम कराने के लिए चला जाता हूँ। तो 17 तारीख का मामला है, मैं सर आशा देवी की राशन की एजेंसी है, तो कई माताओं को उन्होंने 10-10 किलो राशन कम दे रखा था, जिसके साथ मैं इकट्ठा होकर उनके साथ चला गया। लेकिन उसमें सागर है, उनका एजेंसी डीलर का भतीजा, आरोप पर जब्त है, उसने मुझे तभी मतलब गाली गलौज, मुझे खटीक और मेरी पत्नी को चमारी के गुलाम, जा रहा नहीं जा रहा है से या तुझे अभी बताऊँ तुझे उल्टा पुलिस में पकड़वा दूँ, इस तरीके से धमकी देने लगा। तो कोई बात नहीं, तब तो मैं आप वहाँ से आ गया, फिर पुलिस उसी दिन, मैं तो आ गया मेरठ, पुलिस उसी दिन दोपहर को मेरे घर गई, उल्टा सीधा धमकाने लगी थाना फलावदा की। अब 22 तारीख में वो फिर मेरे घर के सामने को निकला जा रहा था, सागर बालेश्वर पुत्र बालेश्वर, तो उस दिन मुझे मतलब गाली गलौज करने लगा और कहने लगा या तो अब हमारी एजेंसी पर मत चमक दी, या नहीं तेरा ऐसा इलाज कर दूंगा कि तू यहाँ से ही फलावदा छोड़ता नजर आएगा। फिर मैंने अपने बस अपने बच्चों को देखते हुए मैंने अपने घर पर मकान के बिकाऊ के पोस्टर और पलायन के पोस्टर लगा दिए। अब आप SSP ऑफिस आए हो, क्या क्यों क्या? मैं SSP ऑफिस इसलिए आया हूँ कि मुझे बताया था कि पहले अपनी शिकायत लिखित में SSP ऑफिस दो, तब उसके बाद आपकी कार्रवाई होगी। मुझे विश्वास है कप्तान साहब मेरी कार्रवाई करेंगे, और कप्तान साहब नहीं करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री के यहाँ लखनऊ भी जाऊँगा और पूरी पूरी कोशिश करूँगा ऐसे दबंगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।